हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संवेद सिंह। आज हम बात करने वाले हैं अनुकूलन, जिसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अब क्या होती है अडेप्टेबिलिटी? अनुकूलन क्या होता है कि अपने आप को जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, हमारे अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होती हैं, उनमें बचाना, उस परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, देखिए अनुकूलन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार से होता है, क्रियात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, और क्या होता है, आकारात्मक होता है। ठीक है, ये तीन प्रकार का अनुकूलन होता है। नंबर देखिए कि अनुकूलन आप ये भी कह सकते हैं कि यह जीव का कोई एक ऐसा गुण जो आकार की या कार की या व्यवहारात्मक है, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। जैसे कंगारू चूहा बिना जल के पूरी जिंदगी रह सकता है। ठीक है, ये एक चूहा है, कंगारू टाइप में होता है, जो बिना जल के पूरे ज़िंदगी रह सकता है। उसे अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूल कर लिया। तो ये क्या, उसने एडेप्टेशन ले लिया, प्रकृति के अनुसार उसने अपने को ढाल लिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, हालांकि वो मर जाता। तो उसने उस अनुकूलन, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को जो है ढाल लिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नागफनी मरुस्थल में होता है, आपने कभी देखा होगा, तो कैक्टस भी होता है, जो वो पौधे होते हैं वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी होती है, जैसा मौसम होगा उसी अनुसार ही ढाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है अडेप्टेशन, जैसे इसमें वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए जल रुकता है, क्योंकि पत्तियाँ नुकीली हो जाती है, ताकि जल वहाँ कम होता है मरुस्थल में, तो उनकी पत्तियों से जल का वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में हो सके, है ना। कटीली पत्तियाँ होती कैक्टस में। तो ये क्या होते हैं कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये था अनुकूलन एडेप्टेबिलिटी। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।